प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर एक नंबर लाइन दी है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स है जिसके हिसाब से हमें ये सारे डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर 1 हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ बी। देखो बी यहां पर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, और ई यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा 2 और 5 में बिगर नंबर कौन सा है, यानी ई जो है वो पॉइंट बिगर है, माइनस ई में से हमें बी सेपरेट करना है। तो ई की वैल्यू है 5, ये फॉर्मूले का, माइनस बी की वैल्यू है 2, कितना हो गया 3। तो डिस्टेंस ऑफ बी इज 3। सेकेंड वन, डिस्टेंस ऑफ जे ए, जे की वैल्यू माइनस 2, ए की वैल्यू बिगर कौन सा है इसमें 1 बिगर है, तो ए की वैल्यू बिगर है, ए माइनस जे लिख सकते हैं। ये ए माइनस जे समझने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में ये ना लिख कर डायरेक्ट ये भी लिखो तो चल जाएगा। ए की वैल्यू, ए का कोऑर्डिनेट 1, माइनस जे का कोऑर्डिनेट माइनस 2, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो डिस्टेंस ऑफ जे इज 3। थर्ड वन, डिस्टेंस ऑफ पी सी, पी की वैल्यू कितनी है माइनस 4, सी की वैल्यू, अच्छा माइनस 4 और 3 में बड़ा कौन सा है 3, यानी सी की वैल्यू बिगर है पी से, सो सी माइनस पी, सी की वैल्यू है 3 माइनस पी की वैल्यू है माइनस 4, सो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 कितना हुआ, तो डिस्टेंस ऑफ पी सी इज 7। नेक्स्ट कौन सा है, जे और एच, अच्छा जे और एच में बड़ा कौन सा दिख रहा है, एच बिगर है, एच माइनस जे, एच की वैल्यू माइनस 1, माइनस जे की वैल्यू माइनस 2। यहां देखो ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो तो सबट्रैक्शन करेंगे, साइन बड़े नंबर की देंगे, कितना हो जाएगा 1। डिस्टेंस ऑफ जे एच इज इक्वल्स टू 1। बाकी के 4 ट्राई करो, देखो आते हैं क्या, वरना बताता हूं। ठीक, आंसर चेक कर लो, के एंड ओ, के की वैल्यू माइनस 3, ओ का कोऑर्डिनेट बड़ा कौन सा है, ओ बड़ा है, ओ माइनस के लिखो, ओ की वैल्यू है 0, माइनस के की वैल्यू है माइनस 3, तो 0 प्लस 3 कितना हुआ, तो डिस्टेंस ऑफ के ओ इज 3। ओ ई, ओ एंड ई, ओ का कोऑर्डिनेट 0, ई का कोऑर्डिनेट 5, यानी ई माइनस 0, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, तो डिस्टेंस ऑफ ओ ई इज इक्वल्स टू 5। पी एंड जे, हाँ दोनों में बिगर जे, तो जे माइनस पी, जे की वैल्यू माइनस 2, माइनस पी की वैल्यू माइनस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 कितना हुआ 2, डिस्टेंस ऑफ पी जे इज इक्वल्स टू 2। लास्ट क्यू एंड बी, क्यू बी कौन सा बिगर है, बी माइनस क्यू, बी की वैल्यू 2 माइनस क्यू की वैल्यू, तो 2 प्लस 5 7, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू बी इज इक्वल्स टू, देख लो चेक कर लो आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 2, बिट नंबर 2, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई, मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स है, जैसे हर पॉइंट का एक नंबर होता है, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट एक्स दिया और बी का कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है ए बी, एक्स मतलब किसकी वैल्यू समझ सकते हैं अपन ए की, तो इसके नीचे लिख दो ए इज इक्वल्स टू 1, इसके नीचे लिख दो बी इज इक्वल्स टू, इजी हो जाएगा अपने लिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है अपने को हर एक इसमें, अच्छा ये यहाँ पे कौन सा फिगर दिख रहा है ए या बी, तो लिखो बी माइनस ए, बी की वैल्यू 7 माइनस 1 कितना हुआ, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इन फर्स्ट वन इज 6, यहाँ लिखो ए इज इक्वल्स टू 6, बी इज इक्वल्स टू माइनस 2, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है अपने को, कौन सा फिगर है ए, तो ए माइनस बी यानी 6 माइनस
माइनस टू यानी सिक्स प्लस टू कितना हुआ एट, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज एट। यहां सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू माइनस थ्री और वाई मतलब बी की वैल्यू सेवन, कौन सा बिगर है बी बिगर है, तो बी माइनस ए सेवन माइनस माइनस थ्री यानी सेवन प्लस थ्री कितना हुआ टेन, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज टेन। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू माइनस फोर, बी इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फोर और माइनस फाइव में बिगर माइनस फोर, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यानी माइनस फोर माइनस माइनस फाइव, माइनस फोर प्लस फाइव, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, क्या करेंगे सबट्रैक्शन करेंगे, साइन बड़े नंबर की बड़ा नंबर फाइव है उसकी साइन है प्लस, तो प्लस वन, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज वन। यहां सॉल्व करते ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, बिगर कौन सा है ए की वैल्यू इज बड़ी है, तो ए माइनस बी यानी माइनस थ्री माइनस माइनस सिक्स, माइनस थ्री प्लस सिक्स, एक प्लस एक माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्लस थ्री। लास्ट ए की वैल्यू है फोर, बी की वैल्यू है माइनस एट, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बिगर नंबर कौन सा है फोर यानी ए की वैल्यू बिगर है, ए माइनस बी फोर माइनस माइनस एट, फोर प्लस एट कितना हुआ ट्वेल्व, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ट्वेल्व। तो ये है हमारा बीट नंबर टू, लिख कर ले लो।